नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुभा पांडे आप सबका WHRF की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिस इज अ सेशन विच इज अ पार्ट ऑफ आर संडे इवनिंग टॉक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रेलेवेंट टू योगा हेल्थ एंड विमेन्स हेल्थ इश्यूज। आज हमारे साथ है मिस्टर हरीश बिष्ट और मिसेज लिपिका बिष्ट। They are co-founders and co-owners of Negi School of Martial Arts. वो trained fitness instructors और certified yoga trainers भी हैं। They have 15 plus years of corporate work experience. आज वो हमारे साथ बहुत ही important topic पे बात करने वाले हैं, जो women's health, pregnancy and postnatal care में बहुत ही important topic है, which is diastasis recti and its impact on postpartum fitness. मैं एक बार और हरीश जी और लिपिका जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। Over to you, हरीश जी and लिपिका जी। Good evening, everyone. Thank you, Shubha ji, for that lovely introduction. Thank you so much. Thank you. Okay, so before हम लोग जो आज का टॉपिक है अबाउट diastasis recti, कुछ चीजों पे, अच्छा मैं एक डॉक्यूमेंट स्क्रीन शेयर में डालना चाहूंगी। सो दैट एवरीबडी कैन गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इजियर टू अंडरस्टैंड होगा सबके लिए ही ये चीज। देयर आर सर्टेन इश्यूज जो आई एम श्योर मतलब काफी विमेन ने ड्यूरिंग देयर पोस्टपार्टम जर्नी यू नो फेस किया होगा। चाइल्ड बर्थ आपका हो गया है, ठीक है, आपने अपने बच्चे की फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ली है, बट उसके बाद भी काफी लोग मतलब ये क्वेश्चन पूछते होंगे दैट आर यू स्टिल प्रेग्नेंट। सो दिस इज यू नो अ वेरी कॉमन थिंग कि इमिजिएटली आफ्टर डिलीवरी जैसे हम जाते हैं कि ठीक है सबको होता है, सबसे पहली चीज कि अब प्री प्रेगनेंसी बॉडी कैसे वापस मिलेगी हमको। सो वी क्विकली गो टू द जिम एंड वी स्टार्ट वर्किंग आउट लाइक क्रेजी पीपल, बट वो जो एक बल्ज जो फ्रंट में एक पूछ जैसा वो बन जाता है, मतलब सारा पसीना बहा लिया, दो दो घंटे एक्सरसाइज कर ली, बट स्टिल वो फिर भी जैसा था वैसा ही है। मे बी आपके बाकी बॉडी पार्ट से शायद आपको वेट घटता हुआ दिख रहा होगा, बट इस जगह का कुछ भी कोई लॉस नहीं हो रहा है। द फैट इज स्टिल वेरी मच देयर, इट फील्स लाइक यू नो मतलब द स्ट्रिक्ट एब्डोमेन इज स्टिल रिमेनिंग। बैक पेन डिलीवरी ड्यूरिंग जैसे ट्राइमेस्टर्स बढ़ते जाते हैं, बैक पेन इज अ वेरी कॉमन इश्यू, बट पोस्ट डिलीवरी भी थोड़े महीनों तक जब तक हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में है उसका रहना भी कॉमन है, बिकॉज बॉडी इज इन यू नो धीरे धीरे एडॉप्ट कर रही है। बट लंबे टाइम तक अगर बैक पेन आपको फिर भी है तो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, कॉन्स्टिपेशन लाइक कई बार हमारे होते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी चेंजेस, बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दीज आर कॉमन थिंग्स जो कि वुमेन फेस करती है। बट डिलीवरी के बाद भी पोस्टपार्टम फेज में भी अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक चला आ रहा है, दैट इज अगेन वन ऑफ द इश्यूज, ओके, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अनदर वेरी कॉमन थिंग जो कि आई थिंक विमेन एंड आई एम टॉकिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम लोग फेस करते हैं, ज्यादा जंपिंग कर लिया, स्किपिंग कर लिया, इवन फॉर दैट मैटर अगर बहुत डांस भी कर लिया, सम काइंड ऑफ यूरिन लीकेज दैट कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट, स्पेशली मतलब जरूरी नहीं कि पब्लिकली, प्राइवेट में भी दैट कैन बी वेरी इनकन्वीनियंट, एंड दैट इज समथिंग अगेन जो कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, हो गया, मतलब छींक लिया तो यूरिन निकल गया, बट वी डोंट, मेनी टाइम्स वुमेन डोंट पे अटेंशन कि ये कोई कॉज तो नहीं हो सकता, कोई इश्यू तो नहीं है ये। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हम नॉर्मल उसमें ना अवॉइड कर देते हैं, बट ये अवॉइडेबल चीजें नहीं है, एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन टूडेज टॉपिक डायस्टेसाइज रेक्टाई। लार्जली ये कंडीशन प्रेगनेंसी में होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके, एंड उसके बाद पोस्टपार्टम में थोड़े टाइम तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ये चीजें फेस हो रही है से आफ्टर 6 मंथ्स भी यू आर स्टिल फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज,
then you need to check yourself, your body for seeing ki if you have the condition of diastasis recti. Okay, because ye ek aisi condition hai jo even talking again from personal experience, बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है एंड उसको एक कॉमन चीज ठीक है प्रेगनेंसी के बाद ऐसा ही होता है बॉडी ऐसी ही रहती है मोटे ही दिखते हैं तो वो कर करके चलते आए लेकिन वो पता ही नहीं चला कि यू एक्चुअली हैव सम कंडीशन. ओके सो व्हाट इज दिस डायस्टेसाइज रेक्टाई नाउ द कॉज ऑफ दिस. ओके फर्स्ट दिस वर्ड डायस्टेसाइज मीन्स सेपरेशन एंड रेक्टाई रेफर्स टू अवर रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स. All right. So normally जो popular होता है सब में the six pack abs जो यहाँ पे दिखते हैं. So that six pack ab, the common abdomen muscles, okay, ये दो side में right side and left side में separated है and it is joined in the midline in the center, okay, through a connective tissue which is known as linea alba. Now normally जो हमारे ab muscles है six pack ये ribs के नीचे से लेके pubic bone तक run कर रहे हैं and on both sides they are running joining in the middle by this connective membrane which is known as linea alba. Okay normally क्या होता है कि pregnancy में जब धीरे धीरे especially third trimester तक जब तक बच्चा fully develop होने लग जाता है and there is a lot of pressure in our uterus धीरे धीरे abdomen muscles पे pressure बढ़ने की वजह से there may be a condition जहां पे it may happen a partial और full separation of our abdominal muscles. तो उसकी वजह से जब ये membrane अलग हो जाता है तो ये बाहर के organs हमारे ये बाहर आए हैं thus creating that bulge जो कि हमको लगता है कि ये तो pregnancy का हाँ pregnancy की वजह से ही होता है ये largely but again it is not only restricted to pregnant women. This is also a condition which can happen in many newborn babies, especially अगर वो prematurely born हुए हैं क्योंकि तब तक क्या होता है कि उनके abdomen muscles ढंग से develop नहीं होते हैं तो ये newborn babies में भी it's a common condition which can happen. Also कई बार men में भी you know when they are doing weight lifting जो करते हैं heavy weights उठाते हैं तो proper posture नहीं होता है body mind का coordination so because of that it may happen in men also. Now, normally, what are the factors which can cause diastasis recti in women? Okay. First, जो hormonal changes होते हैं in the body during pregnancy, जो हमारी ये hormones होती है relaxin, estrogen, ये क्या करते हैं धीरे धीरे हमारे जो linea alba, जो वो membrane है उसको soften कर देते हैं तो उसपे थोड़ा सा भी pressure and वो अलग होने के chances उसमें बढ़ जाते हैं. अगर आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ओके एक्सेसिव वेट गेन अगर हो रहा है तो वो ऑब्वियसली आपके बॉडी के मसल्स पे इंपैक्ट करेगा. इफ यू आर हैविंग प्रेगनेंसी वेरी क्विकली लाइक एक बच्चा हुआ एंड उसके बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर बॉडी पे फिर से प्रेशर पड़ा एंड यू नो यू हैव अनदर चाइल्ड दैट इज अनदर कंडीशन जहां पे रिपीट प्रेगनेंसीज विद इन शॉर्टर ड्यूरेशन. अगर बच्चे का बहुत ज्यादा हैवी वेट है तो अगेन ऑब्वियसली इट इज क्रिएटिंग इंपैक्ट ऑन योर कोर मसल्स ऑन योर एब्डोमेन मसल्स. इफ वी आर गिविंग बर्थ टू ट्विन्स ट्रिपलेट्स अगेन दैट इज अनदर केस जहां पे डायस्टेसाइज रेक्टाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वुमेन में. नेक्स्ट इज अगर हम बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो अगर हम एब्डोमेन की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मतलब लगे हुए हैं क्रंचेस मारने में कि सिक्स पैक निकालने हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव भी अगर प्रेशर क्योंकि एज वी नो एक्सेसिव थिंग इन एनीथिंग इज बैड बी इट दिस वो हर चीज में एप्लीकेबल होती है तो उन चीजों में भी आपके डायस्टेसाइज रेक्टाई होने के बॉडी में कोर में चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने एब्स में स्पेशली नेवल के पास में अगर आप मेजर करो ठीक है नॉर्मली जिनकी बॉडी नॉर्मल है या प्री प्रेगनेंसी में भी यू वॉन्ट फाइंड एनी गैप इन दिस बट अगर इसमें टू फिंगर या थ्री फिंगर का गैप है आपके इन मसल्स में जब आप अपने आप को टेस्ट करते हो एंड इफ यू फाइंड अ गैप ऑफ मोर देन टू फिंगर्स दैट मीन्स यू हैव डायस्टेसाइज रेक्टाई
and it needs to be treated. You need to consult a specialist for this and it needs to be taken care of. Okay, because agar hum time se in cheezon pe dhyan nahi dete hain, to diastasize dheere dheere, because wo gap agar aap usko matlab khula hua hai, to agar aap usko time se rectify karke usko fill up karne mein, usko wapas se close karne mein kaam nahi karoge, so it can lead to major health issues, something like hernia also. All right. Now, there is a way to check the diastasis recti. So you can lie down like this, and you can keep your hand up. Head up करेंगे, shoulder up नहीं करेंगे. As Lipika told, then try to put your finger in your navel part, around your navel part, up and down of that, and sit up. Basically, हमको यहाँ पे अपने core को contract करना है, ठीक है? टाइट करना है एब्डोमेन, पेल्विक पार्ट जो है ये अंदर को टिल्टेड रहेगा, कोर टाइट है. आप हल्का सा अपने हेड को ग्राउंड से ऊपर उठाएंगे, शोल्डर नहीं उठाना है, हल्का सा हेड अपर करेंगे, एंड देन यू कैन चेक पुटिंग योर हैंड बिटवीन योर नेवल पार्ट कि इसमें गैप दिख रहा है या नहीं. अगर तब आपको नोटिस होता है कि आपका टू फिंगर से ज्यादा का गैप है, तो देन यू नीड टू चेक योर सेल्फ फॉर डायस्टेसाइज रेक्टाई. अब दिस इज वन टेस्ट, बाकी यूट्यूब वगैरह में भी, बिकॉज धीरे धीरे अब इस चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वुमेन में भी अवेयरनेस बढ़ रही है, बट स्टिल नॉट टू मच. देयर इज स्टिल अ वेरी लार्जर पार्ट जो कि फिटनेस में है, उनको तो फिर भी शायद नॉलेज है, बट जो नॉर्मल मतलब वुमेन जिनका फिटनेस में इतना नहीं है एक्टिवनेस, तो उन लोगों को आज की डेट में भी पता नहीं है. बच्चे हो जाने के सालों बाद भी, मतलब महीने तो छोड़ दीजिए, सालों बाद भी वो उसको नॉर्मल समझ के ही कि हम तो प्रेगनेंसी के बाद तो मेरा यही हाल है, मेरे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि मेरे हाथों में वेट नहीं है, मेरे इधर पे फैट नहीं है, मेरे पाँव में नहीं है, देखो मैं कितनी पतली हूँ, लेकिन पेट अभी भी वही प्रेगनेंसी वाला दिखता रहता है. सो दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन बॉडी स्ट्रक्चर जो बहुत फीमेल्स में दिखता है इन द पोस्टपार्टम, इवन आफ्टर इयर्स ऑफ गिविंग देयर चाइल्ड बर्थ. सो एज Lipika ji told that there are many things we need to avoid when we have DR. Heavy weight lifting is one thing which we need to avoid. We need to avoid back bending, because what is happening when we are doing back bending, we are stretching it again, spreading it. So, jo already weak muscle hai, usko hum aur further weak kar rahe hai. We have to do avoid crunches, planks. Because normally if we do plank like this, आपका belly bulge है, ये already bulge है, तो इसको अंदर खींचने की बजाय आप उन muscles को और outward push कर रहे हो, so that is a big no-no. So basically in diastasize actually जितने भी traditional जो ab exercises है ना, crunches, sit-ups, planks, yoga में मोस्टली जो स्पाइनल, जहां भी स्पाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइक व्हील पोज, जितने भी हमारे बैक बेंडिंग पोजेस हैं, इवन फॉर फुल भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, सो वी शुड अवॉइड दोस एक्सरसाइजेस इफ यू हैव डीआर. हाँ, मतलब आप इनकी, आप पहले अपने डीआर को रेक्टिफाई करिए, उसको ट्रीट करिए, देन यू कैन ऑब्वियसली, इट इज नॉट लाइक कि डीआर हो गया तो वो ठीक भी नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेगुलर प्रैक्टिस से. आपको अपनी प्रैक्टिस को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड एक बार वो ठीक हो गया, देन यू कैन ऑब्वियसली गो बैक टू योर, यू नो, जो भी आपको फिटनेस रूटीन आप फॉलो करते हैं, बीट योगा, योगा में भी आप अपनी सारी प्रैक्टिसेस में डेफिनेटली वापस जा सकते हैं, बट वो कोर स्ट्रेंथ तो पहले आप डेवलप करिए. द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज हैपनिंग थ्रू अवर कोर. सबसे पहला काम अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जो हमें करना चाहिए. सो द डीपेस्ट मसल इज TVA, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल. उसके ऊपर हमें काम करना है कि उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, कोर स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, देन पेल्विक मसल्स के ऊपर काम करना है, विच इज अगेन विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर DR. दिस एवरीथिंग विल हैपन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर breathing, when you are working on the deep breathing using your diaphragm. So
सो बेसिकली बिकॉज पेल्विक फ्लोर भी हमारे बैक मसल्स, कोर मसल्स एंड अलोंग विद अवर रेस्पिरेटरी डायफ्राम के साथ वो सारा वर्क करती है एंड दीज आर ऑल कनेक्टिव मसल्स. तो इस वजह से सबसे पहले व्हेन वी आइडेंटिफाई कि ठीक है डिया, फर्स्ट स्टेप यही है जो कि हमको अपने जो डीप कोर मसल्स है, नॉट द कॉस्मेटिक ऊपर ऊपर का सिक्स पैक. सिक्स पैक तो एक्चुअली इट्स अ कॉस्मेटिक थिंग. जो डीपर एब्डोमिनल मसल्स है विच इज अवर टीबीए, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स, ओके, अवर ऑब्लिक मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स, इनको बिकॉज ये सारी कॉम्बिनेशन में काम करती है. सो बेसिकली ये कोर को एक साथ बाइंड करने में हेल्प करती है. तो हमको उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी स्टेबिलिटी पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम करना है. वंस वी डेवलप दैट देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. ओके, एंड आई थिंक योगा में तो मतलब कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. मुझे पर्सनली जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि यस आई हैव डीआर एंड आई व्हेन आई वेंट टू द फिजियो, जिन्होंने मुझे इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताई एंड देन आई कुड मैच कि योगा में भी क्योंकि हमारा ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है. हम हर चीज में बोलते हैं कि ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करो. हम कोई भी आसन करते हैं, कोई भी पॉस्चर करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ब्रीदिंग. यू नो, कनेक्ट योर माइंड टू ब्रीथ. एंड आई थिंक वो कोई भी वर्कआउट में द मोर यू फोकस योर माइंड टू दैट पर्टिकुलर मसल, आप इम्पैक्ट उसमें और ज्यादा फील करोगे. वो डेफिनेटली आप मतलब आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन और फेल्ट दैट इम्पैक्ट, या फिर ये होता भी है. तो सिमिलरली ब्रीदिंग पे भी सिंपल थिंग लाइक जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग योर कोर इन, ओके, हमने कोर को पूरा अंदर खींचा एंड पुलिंग इट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स अवर स्पाइन, इतना मतलब अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके जब आप स्पाइन की तरफ, आपको अपने आप ही फील होगा इतना टाइट हो जाएगा आपके ये सारे. तो दैट इज अगेन समथिंग विच यू आर वर्किंग फॉर स्ट्रेंथनिंग योर कोर. सो सविता जी, आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेरी आपकी? हेलो, हाय, गुड इवनिंग. या मे आई स्पीक ऑडिबल? या कपाल भाति, क्या इसमें कोई कपाल भाति प्राणायाम के इसमें कोई हेल्प करता है आरडी में? बिकॉज वी आर ऑल्सो डूइंग फॉर दी कोर मसल एक्सरसाइज कपाल भाति. हाँ, तो हम लोग एक्चुअली अभी नेक्स्ट जो इसका लास्ट वो है, आई थिंक उसमें हम लोग वी आर गोइंग टू शो दैट यू नो योगा के थ्रू भी and some other exercises which we are going to explain, जो कि आपके DR को heal करने में किस तरीके से help करेगा. तो I think एक बार हम वो कर लेते हैं and उसके बाद अगर आपकी कुछ queries होंगी तो then we can take that. Is that okay? Yeah, absolutely. Yeah? Okay. So the fundamental is basically the deep breathing. Breathe through your diaphragm. We have to understand like it teaches you how to breathe using your diaphragm and how you can improve your core stability. So inhale, fill air with abdomen or lungs, and then exhale, जो कि हम ध्यान बंद में भी करते हैं. एक बार सब लोग करके देख सकते हैं, try कर सकते हैं कि आप inhale कर रहे हैं, you are filling the air with abdomen, and then exhale it. So you are contracting your abdomen with the spine muscles. And release. इसमें आपको खुद ही फील होता है, आपको ये जो अपने टीबीए मसल्स ये साइड्स में आपको फील होने लगता है प्रेशर, वो थोड़ी देर का कॉन्ट्रैक्शन ही. तो सिंपल मतलब जो बिगिनर है, एक बार आपने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है डीआर है, आप किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे, सबसे पहली चीज जो वो आपको बताएंगे करने के लिए इज फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्रॉपर टेक्निक. आप बैठ के करो, आप लेट के करो, ठीक है, लेकिन शुरुआत इसी से ही करनी है. अंडरस्टैंड how you are breathing, okay, and contract your abdomen, relate it with your core basically. So the first exercise jo hum main dikhane wala hu usme, that is called setu bandhasan or bridge pose. So setu bandhasan isliye acha hai
क्योंकि एक तो इसमें कोर के साथ साथ हम बैक मसल्स पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, कोई भी आप एक्सरसाइज जो कि डीआर के लिए आप करते हैं, सबसे पहली चीज फर्स्ट तो हमने ब्रीदिंग पे फोकस करना है, सेकंड जो हमें फोकस करना है इज द कोर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जो हमने बताया कि टीबीए मसल्स ऑब्लिक्स ओके एंड रेक्टस एब्डोमिनस, अपने माइंड में सोचिए दैट आपने एक टाइट, बहुत ही टाइट, जो बेसिकली कॉर्सेट जिसको बोलते हैं, एक टाइट जैकेट पहनी हुई है अपने कोर के अराउंड ओके, और उसने आपके बैक और कोर मसल्स को टाइटली हग किया हुआ है, एकदम दबा के रखा हुआ है फ्रॉम द बैक टू द फ्रंटल कोर ओके। सो आपको अपने पेल्विक मसल्स को भी यूज करना है। टिल्ट अभी क्या है कि बैक में और मैट के बीच में देयर इज अ गैप, मेरा हाथ पूरा घुस गया है ठीक है अंदर में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव टू डू पेल्विक टिल्ट, आप अपने पेल्विक मसल्स को अंदर की तरफ रोलिंग करना है टुवर्ड्स योर स्पाइन ओके, अंदर उसको रोल करके ऊपर अपने नेबल की तरफ पुल करना है, रोल इट इन एंड अप टुवर्ड्स योर स्पाइन। यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपका जो बैक है उसने मैट को टच कर लिया है, नाउ देयर इज नो गैप ओके। सो आई मीन व्हाइल टॉकिंग आल्सो एनीबॉडी कैन जस्ट फील दिस लाइंग ऑन द फ्लोर, यू कैन योरसेल्फ फील इट आल्सो। सो कोर कॉन्ट्रैक्शन इज द सेकेंड थिंग, डीप ब्रीदिंग एंड कोर कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ हम जो सेतुबंध आसन करते हैं ब्रिज पोज, हमारा कोर कॉन्ट्रैक्टेड है, हमारे ग्लूट मसल्स इस टाइम में टाइट है ठीक है। सो द नॉर्मल ब्रिज पोज जो हम करते हैं कि आप ऊपर आए, थोड़ी ब्रीथ तक होल्ड किया एंड स्लोली कम डाउन, इसी में आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्योंकि एक तो माइंड पे ये लगता है ना कि इतना सारा पेट है, इतना सारा फैट है, सिर्फ ऐसे ही होल्ड कर करके कम हो जाएगा क्या, होता है, टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, बट यू कैन डेफिनेटली एड सम मॉडिफिकेशंस टू दिस स्लोली। ये मॉडिफिकेशन जो है आप तब करें जब आप थोड़ी आपकी कोर में स्ट्रेंथ आ जाए, जब आपकी कोर में, एक तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग समझ लीजिए, अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट योर कोर, जब वो आपको क्लियर हो गया है, आपको ब्रिज पोज में कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई बैक में स्ट्रेन नहीं लग रहा, कोर में कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, देन यू कैन मूव टू द एडवांस लेवल्स, जहां पे आपने ये टाइटली होल्ड किया हुआ है। नाउ एक्सहेलिंग, ब्रिंग वन लेग इन, इनहेल स्लोली डाउन, एक्सहेल ब्रिंग अनदर लेग इन, इनहेल स्लोली डाउन, देयर इज अनदर वर्जन टू इट वेयर स्लोली कमिंग अप, कॉन्ट्रैक्टिंग योर कोर, लिफ्ट योर लेग स्ट्रेट अप, एक्सहेल स्लोली ब्रिंग इट बैक डाउन, एक्सहेल ब्रिंग द अदर लेग अप, slowly bring it down, slowly modification aap log tabhi kariyega when you are used to with your basic jaise humne bataya setubandh, and then once you feel that there is some strength back bone mein koi problem nahi hai, strength aa gaya, then you can do the modification. Then isi mein hai purvottan asan aur reverse plank. एक्चुअली जो ट्रेडिशनल प्लैंक है हमारा, वो जो इस तरीके से हम करते हैं, चाहे वो एल्बो में हो या रिस्ट में हो, ये आइडियली एडवाइजेबल नहीं है। सो इसमें भी वीडियो ब्लर होता है, आप इसमें नीज डाउन रख के यू कैन होल्ड, बट अगेन द थिंग अप्लाइज दैट कोर को पहले एम्ब्रेस करना है, टाइट करना है, ब्रीदिंग को फोकस करना है, एंड देन कीप ऑन होल्डिंग इट ओके। बट अगेन इफ एनीथिंग इनकन्वीनियंट डू नॉट डू इट, ऑल राइट। नाउ रिवर्स प्लैंक, पूर्वोत्तान इज अ सेफ डीआर एक्सरसाइज, आप ट्रेडिशनल वो प्लैंक नहीं कर सकते, बट आप रिवर्स प्लैंक कर सकते हैं, दिस कैन बी डन, अगेन कोर कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस है, ब्रीदिंग पे, एंड जस्ट होल्ड। इसी में जो मॉडिफाइड इसका वर्जन है, थोड़ा इजियर वाला होता है, टेबल टॉप पोजीशन पूर्वोत्तान का, आप ये भी, बट अगेन ज्यादा नीचे नहीं लेना है, क्योंकि ये अगेन रिब केज पे स्ट्रेच आएगा, आपके अपर मसल्स पे, अपर एब्डोमेन मसल्स पे स्ट्रेच आएगा, जब वो कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में नेक रहेगा,
उसी में होल्डिंग करनी है. अगेन व्हेन यू आर ओके विद द नॉर्मल देन यू कैन ऐड फर्दर इन रिवर्स प्लैंक. हाँ, आप इसमें भी तब मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, धीरे धीरे वन लेग आप, या फिर यहीं पे स्ट्रेट लेग भी, सिंगल लेग, बट अगेन फोकस कनेक्टेड विद योर ब्रीदिंग. ओके, नॉर्मली जब भी आप डीआर से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर जैसे हम सेतुबंध आसन की अगर कर रहे हैं, जब जब आप एक्सेल करोगे, इसकी एक्सेलिंग का प्रोसेस आपके कानों तक आवाज आनी चाहिए. सांस पूरी मुंह से सांस छोड़नी है. आप इसमें एक नॉर्मल क्रंच भी करके देखिए, सिंपल क्रंच भी इस तरीके की ब्रीदिंग के साथ, एंड यू विल योरसेल्फ सी द डिफरेंस. इतना ज्यादा पेट पे वो कॉन्ट्रैक्शन फील होता है ना, स्ट्रेंथ फील होती है जस्ट बाई अ नॉर्मल एक्सेल ऑल्सो. सो यू नो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ब्रीदिंग कैन हैव ऑन सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू भी बॉडी में इम्पैक्ट आप ला सकते हैं. देन मॉडिफाइड साइड प्लैंक, वशिष्ठासन, वशिष्ठासन आप नी रख के कर सकते हैं और यू कैन कीप लोअर लेग स्ट्रेट, ऊपर वाले लेग से सपोर्ट दे सकते हैं. दिस इज द स्टार्टिंग, अगेन मॉडिफाइड इस तरीके से, जस्ट होल्डिंग वाला. दोनों नहीं रख सकते हैं, स्टार्टिंग नीचे वाला लेग आप किया, ऊपर वाले से सपोर्ट लिया, स्टार्टिंग. वंस यू आर कंफर्टेबल हियर देन यू कैन डू डिप्स कर सकते हैं धीरे धीरे. 10 रेप्स किए इसके, फिर थोड़ा सा रेस्ट दिया, फिर 10 टाइम्स इसको रिपीट किया. तो आप इसके डिफरेंट वेरिएशन आप इसमें इस तरीके से आप एड कर सकते हैं. Then there is another one exercise. Core की strengthening के लिए 90 degree angle में आपके legs हैं, hands बिल्कुल elbow straight होनी चाहिए. ये अभी starting की neutral position है. Now slowly inhale, core is contracted. Exhaling, breathing out, straighten arm and leg. दोनों इस time जमीन पे touch नहीं होगा, दोनों हवा में है. Come back. Inhaling to center, again breathing out, exhale and straighten your arm and leg. This is alternate hand, alternate leg. Right hand ke saath left leg, left hand ke saath right leg. But please make sure, again breathing and keep your spine. Haan, tailbone aapki mat ke saath, there should not be a gap between your back and the floor. Ya aap mat pe let ke kar rahe hain, to wahan pe wo arch nahi aana chahiye. पेल्विक मसल्स को अंदर में टिल्ट करिए ताकि आपका बैक जो है वो मैट के साथ टच रहे. देन ये तो सभी को पता है कैट एंड काउ, बट अगेन कैट एंड काउ में बिकॉज हम स्पाइन एक्सटेंशन पे नहीं कर रहे हैं तो हम कैट मोड में नहीं जाएंगे. हम ऊपर में ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे बिकॉज इसमें ऑब्वियसली हमारी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है. तो यू विल मेंटेन ये वैक्यूम. आप पूरा आपने यहाँ पे एक हॉलो बनाया हुआ है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया है. स्लोली इनहेलिंग, कम बैक टू न्यूट्रल, अगेन एक्सहेलिंग. सो दीज आर सम ऑफ द, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मना कर दिया है कि योगा नहीं करना है तो मैं तो बस अब फिर मैं क्या करूं, ये भी नहीं कर सकते वो भी. मॉडिफिकेशन के साथ आप धीरे धीरे चीजें कर सकती है, आपको बस इनकन्वीनियंट नहीं होना चाहिए. और एक चीज जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, यू नो मसल्स वीक है, उसको और ओवरली हमको खराब नहीं करना है. एक और जो एक्सरसाइज है जो हम करते भी हैं कोर के लिए हमारे योगा रूटीन में, बर्ड डॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें हमने पहले, अभी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल है, अब हमने पहले हमारे एब्डोमेन को, कोर मसल्स को टाइट किया, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट किया. नाउ स्लोली लिफ्टिंग योर अल्टरनेट हैंड एंड लेग, जस्ट होल्ड, कम बैक, अगेन एक्सहेल एंड जस्ट होल्ड योर ब्रेथ हियर. ओके, फॉर फ्यू काउंट्स एंड कम डाउन. अगेन इसमें भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं एक बार आपको लगे होल्डिंग, बिकॉज दिस इज अगेन वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. हम ये वाला जब करते हैं हमारी कोर स्टेबिलिटी बहुत इसमें काम आती है बिकॉज बैलेंसिंग पोज है. तो इसमें आप मॉडिफिकेशन के तौर पे सीधा किया, इनहेल, वही
ब्रीदिंग करते हुए एक्सहेल एंड ब्रिंग योर ऑपोजिट नी एंड एल्बो टुगेदर, अगेन एक्सटेंड इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए क्रंच इट टुगेदर. So each side 10-10 you can do, start with 5 and then you can move it to 10. Then there is Bhujangasana also, but again as we said, इसमें भी हमको ये full stretch नहीं करना है, because again इसमें ribcage में stretch आ रहा है, तो आप हल्का सा सिर्फ इतना ही उठे जहां पे आपके ribs पे impact ना आए इस चीज का, हल्के से उठे and slowly come back. Then modified push-up. आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, जो प्लैंक है वॉल सपोर्ट में गए. So one hand distance, you are here and then do push-up. इसमें इनफैक्ट आप प्लैंक भी होल्ड कर सकते हैं, जहां पे लेग्स को आपने पहले थोड़ा सा और पीछे लिया. Contract your abdomen. Okay, keeping your back straight, contract your, pull your abdomen in and then just hold it. इसमें आप चाहे तो हल्की सी elbows भी अपनी bend कर सकते हैं for that more impact. And then modified chaturanga, like in, we do like this, but here again knee रखे with knee support. So जो भी आप कर रहे हैं कोशिश करिए कि आप अपनी एब्डोमेन को वापस से स्ट्रेच नहीं कर रहे. द लास्ट वन इज यू कैन डू वॉल सिट और उत्कटासन, दैट आल्सो यू कैन डू. इंद्रजी जी आपका भी हैंड रेस है. सो या सो कमिंग टू द आई मीन एंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट विच वी वर जस्ट शेयरिंग एंड एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन एंड देन वी विल जस्ट टेक वॉट एवर क्वेश्चन आर देयर. ओके सो बेसिकली डी आर इज अ कंडीशन. बेली बल्ज या प्रेगनेंट दिखना डिलीवरी के बाद भी, दैट इज नॉट एक्चुअली नॉर्मल. येस इन सम कंडीशन ये हो सकता है कि आपका फैट ज्यादा है, इस वजह से एब्डोमेन यू नो आप दिख रहे हो मोटे, वो ठीक है. लेकिन आपको फिर भी अगर आपकी डिलीवरी हुई है उसके थोड़े टाइम बाद, यू नीड टू चेक योर एब्डोमेन, यू नीड टू चेक दैट वेदर मेरा सेपरेशन है या नहीं, वेदर मुझे डीआर है तो नहीं. क्योंकि अगर वो है तो फिर ये कंडीशंस नॉर्मल नहीं है एंड फिर आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलकर अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरविजन अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको करना चाहिए. एंड डोंट जस्ट गो फॉर कि मैंने इसमें देखा, इसमें ये देखा तो ये. अपने आप से कुछ चीजें मत करिए, क्योंकि हो सकता है जैसे ये मैंने बताया कि लोगों को, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि अरे मुझे तो मतलब फ्लैट टमी चाहिए, पतला होना है यार, इतना वेट पुट ऑन कर लिया तो शुरू हो गए जिम जाके चीजें करना. डोंट, बिकॉज कई बार ये होता है कि आपको बिकॉज पता नहीं है तो आप उस चीज को, ऐसे लिपिका ने बोला, ये हमारे साथ हुआ था ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years वी गॉट टू नो कि दिस इज डीआर. लाइक उससे पहले शी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ क्रंचेस, रनिंग, जिमिंग एंड एवरीथिंग एंड स्टिल एवरीथिंग इज ओके, बट टमी नहीं जा रहा है. एंड वी थॉट कि ठीक है प्रेगनेंसी के बाद होगा, उस समय कोई इनिशियल प्रिकॉशन नहीं लिए होंगे. So, इसीलिए इट इज अ कंडीशन एंड इट इज ऑब्वियसली इनकन्वीनियंट बिकॉज यूरिन लीकेज और ये चीजें नहीं अच्छी लगती है. एंड आई एम श्योर बहुत सारी जो यहाँ पे फीमेल्स है, कहीं कभी ना कभी अगर आपको ये कंडीशन हुई है, यू मे हैव फेस्ड इट यू नो, और यू मे नो पीपल, मतलब मैंने अपने सामने भी देखा है एंड दे जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर कि ठीक है कुछ नहीं होता. होता है एंड वो ठीक भी हो सकता है, आपको बस जस्ट प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसल्टेशन की जरूरत है. And that can definitely be healed. So that was our presentation on diastasis recti and its impact on women's health. Now we have the floor open for questions. Yeah. Hi. Can I ask now? Yeah.
वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी नाइस, एंड यू फोकस अ पॉइंट इज वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. आई वॉन्टेड टू आस्क यू हेयर समथिंग, लाइक यू सेड कि डीआर की प्रॉब्लम है, इधर वी पुट टू फिंगर्स एंड गैप एंड वी कैन आइडेंटिफाई वी हैव अ इशू. इज दिस कैन बी रिलेटेड टू द नेवल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो? कैन वी रिलेट दिस टू दैट? नेवल डिस्प्लेसमेंट तो वो अलग, क्योंकि वो तो कई बार जैसे हम बहुत ज्यादा जब छोटे बच्चों में भी बहुत फिजिकल मूवमेंट कुछ हो गई या कुछ हो जाता है. बट यस, अगेन दिस इज अ थिंग विच कैन लेटर ऑन, अगर आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है लाइक चाइल्डहुड से भी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि यू नो योर एब मसल्स आर वीकर. तो इसीलिए आपको हाँ स्ट्रेंथनिंग पे उसके फोकस हमेशा से रखना चाहिए. हम लोग का क्या होता है ना कि ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस में भी ना क्रंचेस और इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होता है. एब्डोमेन बोला तो तुम मारो क्रंचेस, 50 क्रंचेस मारो, 100 क्रंचेस मारो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. वी आर वर्किंग ऑन अ कॉस्मेटिक एब्डोमेन, नोबडी केयर्स, नोबडी वर्क्स ऑन द डीप क्या हो रहा है. तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप पहले अपने डीप मसल्स पे काम करो, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो क्या होता है कि जब इतना ज्यादा मतलब वो प्रेशर पड़ रहा है तो तब उसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है. हमारा यूट्रस इतना स्ट्रेच हो रहा है टू एकोमोडेट द बेबी यू नो विच इज ग्रोइंग, सो उसकी वजह से हमको ये. बट जैसा हमने मेंशन किया कि हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं या आपने इनकरेक्ट पॉस्चर में कुछ किया है, तो उससे भी यू कैन लीड यू नो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ. तो यस, इट नीड्स टू बी, अगर आपको जैसे बार बार नेवल डिस्प्लेसमेंट की भी प्रॉब्लम होती है, so that is something you should pay attention to and focus on your core strengthening. Okay. Yeah. Inderjeet ji, I think that answers your question, I guess. Yeah, it is done. I just wanted, can we get into Agnisar Kriya, Nali Kriya through this? Nali can be also helpful for the, because you emphasize more on the pranayam. So can that be, because in that we work on the rectus muscle more, abdominal side, yes, muscle, oblique muscle. So will that be helpful one? It is, and हमारे जो नॉली में ही हमारे जो जब हम अंदर contract करके पूरा जो rotation piece, जो spinal rotations भी करते हैं, so yeah. Even that is also very helpful for working on you know the strengthening part. Yeah. The strengthening part. So we can go for that also. Yeah, you can go for that. I'll just share. Thank you. I'll hand over to the other person. Thank you. Yeah. Okay. Sure. My question is, does losing weight help in, you know, reducing the severity of this condition? Not necessarily, because this condition can be caused by that. जब आपने weight gain किया during pregnancy, तो it may cause this. But core, मतलब ये muscles का separate होना, बिकॉज बहुत आपने फीमेल्स देखी होंगी जिनका जैसे मैंने एक पॉइंट पे मेंशन भी किया था कि हाथ और पाँव बहुत पतले दिखते रहेंगे, नहीं होंगे, हिप्स में भी वो नहीं होगा, फैट नहीं होगा, बट टमी फिर भी ऐसा, मतलब आई हैव सीन मेनी फीमेल्स लाइक या सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वेट लूज कर लिया तो कोर स्ट्रेंथ है, और बिकॉज दिस इज एंटायरली रिलेटेड टू योर कोर मसल्स एंड इट्स स्ट्रेंथ. ओके, थैंक यू. Yeah. Yeah. Reena ji, you can go ahead with your question. Yes. Thank you, Harish ji and Litika ji, for this wonderful topic and explanation. Mera question ye hai ki, jaise ki, abhi aapne sirf initially bataya ki we can check on the navel finger se hum check kar sakte hain. So like, agar hum normally, jaise after delivery, agar koi dekh raha hai the video, aur agar wo khud se check karna chahe, to is that safe for them? क्योंकि इसमें चेकिंग पे तो कोई इश्यू नहीं है, बट नॉर्मली भी जैसे आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 6 वीक्स, बिकॉज दैट इज द टाइम, मतलब 6 to 12 वीक्स का थोड़ा टाइम ऐसा है कि बॉडी धीरे धीरे, बिकॉज डायस्टेसाइज क्या है, इट कॉमनली आई मीन इट हैपन्स टू ऑलमोस्ट ऑल, एक लेवल पे सेपरेशन सभी का ही होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी जब हम पुश कर रहे हैं यू नो, तो वो जो एक्सेसिव पुशिंग भी अगर हो रही है, जो लोग बहुत ज्यादा देर लेबर में रहते हैं कंटिन्यूअसली, सो दैट इज अगेन स्ट्रेनिंग द एब्डोमेन मसल्स. ओके, सो इवन दैट कैन लीड टू डीआर, बट अगेन इन फ्यू ऑफ द फीमेल्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि डीआर सभी को होगा, मतलब तुम प्रेग्नेंट हुए तो तुमको डीआर होगा ही होगा, दिस इज नॉट अ थिंग. ओके, सो कुछ लोगों में ये अपने आप से हील हो जाता है, बट फॉर सम मेजोरिटी इट डज नॉट हील.
ओके तो फिर हमको तब ये टेक्निक्स एंड चीजें करनी पड़ती है. तो थोड़ा 6 से 12 हफ्ता एटलीस्ट 10 वीक्स अपनी बॉडी को टाइम दीजिए कि मे बी द मसल्स विल हील. बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको खुद ही लगेगा कि यू नो बैक में अभी भी वो पेन आ रहा है, एंड उसके बाद वी वुड सजेस्ट टू चेक योर बॉडी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द टाइम वेन यू कैन स्टार्ट सम मूवमेंट ऑल्सो इन योर रूटीन. तब तक का टाइम तो आपको वैसे भी बॉडी को हील होने के लिए देना पड़ेगा पोस्ट डिलीवरी. सो या आप नॉर्मली बस लेट के आपको हाथ डाल के, और ये भी नहीं कि हाथ को ही बहुत वो, जस्ट स्लाइटली अपने नेवल एरिया में, और वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा. मतलब मेरे को तो इतने सालों बाद भी जब वो गैप दिखा एंड आई वाज लाइक शॉक कि व्हाट इज दिस, एंड आई तो डिडंट नो कि दिस इज अ कंडीशन. आई मीन सीरियसली इवन आफ्टर कमिंग इनटू फिटनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट आई वाज स्टिल अनअवेयर. So this topic is something which is really close to my heart, and there are many women in my family जिनसे मैंने बोला हुआ, and they were like, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हमको तो लगा कि मतलब ये तो होता ही है ना कि मोटे रहे के बाद मोटे रहे पेट तो रहेगा ही, तो पेट रहना is not normal. अच्छा one more thing just can I ask like कि लाइक जो शेड्यूल आपने बताया कि एक्सरसाइजेस जैसे है, तो अगर कोई रूटीन को फॉलो करता है आफ्टर लाइक 3 मंथ्स और 4 मंथ्स इफ दे विल स्टार्ट, तो इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम देन दे विल दे नीड टू डू दैट पर्टिकुलर, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि दे नीड टू चेक कंटिन्यूसली कि हील हो रहा है या नहीं. ये जैसे अपने आप ही, जैसे मैंने शुरू की आई थी अपनी जो DRK मतलब हीलिंग की जर्नी, ठीक है, तो मुझे जैसे बिकॉज वो रेगुलर प्रैक्टिस पे भी है, आप अगर डेली बेसिस पे जो कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली अगर करोगे, तो आपको थोड़े टाइम में ही खुद ब खुद अपनी कोर में ना वो स्ट्रेंथ फील होने लग जाएगी. और कोर स्ट्रेंथ हम जैसे काफी चीजों में अपने योगा में वो देखते भी हैं कि बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग पोज है हमको वहां पे बहुत समझ में आता है कि कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी एक्चुअली कितनी है हमारी, तो वो धीरे धीरे आपको खुद ही फील होने लग जाएगा. गीतांजलि जी, आप यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप. गुड इवनिंग हरी सर एंड लिपिका मैम. माय क्वेश्चन इज, आर देयर एनी फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इफ वी हैव डायस्टेसिस रेक्टाई? सॉरी आपकी ना बीच में वॉइस चली गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. आई रिपीट, आर देयर एनी फूड or any special diet that should be followed if we have diastasis recti? No. Nutrition is just ki ek jo healthy diet humko maintain karni hai apni overall well-being ke liye, you know, overall body ko healthy rakhne ke liye. That is the only thing. And obviously, fatty cheeze to vaise bhi humko avoid hi karni chahiye. Agar aap soch rahe ho ki aapko weight lose karna hai ya body ko healthy rakhna hai, shape mein lana hai. But other than that, DR specific से relation नहीं है, मतलब इसमें food का ऐसा कोई role नहीं है. Okay, and one more question. If a person is having gastric problem, does it help in developing this diastasis recti problem? No, not necessarily. Gastric का फिर वो internal जो हमारे intestine के कुछ था metabolism and वो अलग उस पे है, तो DR का उससे कोई relation नहीं है कि अगर आपको ज्यादा ऐसी problem है तो कुछ उससे related है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, thank you ma'am. Dilmaya ji, you can ask your question please. Unmute yourself and come on video. Namaste sir, ma'am. Hello. Good evening, everyone. मैम, मैं अपने खुद के लिए, खुद को लेके मैं एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ. मैं मेरे दो बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला अब 14 इयर्स का हो जाएगा, तो मेरा भी यही कंडीशन है. हाथ पैर में इतना वो नहीं है, लेकिन लोअर एब्डोमेन में थोड़ा ज्यादा वो चीज, मतलब बीच में ना डिवाइड हो जाता है, तो बल्स का फील होता है सामने में, बल्स स्पेशली लोअर एब्डोमेन में कैच करने में. एक्चुअली मैं भी योगा टीचर हूँ, लेकिन मैं बहुत करती हूँ, और मेरे कोर मसल में तो काफी स्ट्रेंथ है. Okay. ऐसा नहीं कि मतलब बॉडी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है कोर मसल पे.
लेकिन उसको अगर बाई चांस अगर डीआर है तो इतने बेबी होने के इतने साल बाद भी उसको क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा खुद का भी मतलब मेरे को इतने साल तो नहीं हुए बट हाँ फिर भी मतलब मेरा भी यही हुआ कि मुझे वो रियलाइजेशन ही बहुत टाइम बाद पता चली, वो भी नॉर्मल तरीके से, मतलब मैं पीसीओ के पास कुछ और ही करवाने गई थी एंड बिकॉज तब उन्होंने जब एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि हमारी पूरी बॉडी के मसल्स कहीं ना कहीं हमारे कोर, बिकॉज दिस इज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अवर मतलब जो सेंट्रल पार्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो मसल्स जुड़ी हुई है और उन्होंने रैंडमली मेरा कोर चेक किया एंड शी वॉज लाइक अरे आपको तो डी आर है क्या, ये टर्म भी मैंने पहली बार सुना है क्या, एंड देन शी चेक देन शी एक्सप्लेन द होल थिंग, तो इस तरीके से मुझे इस चीज के बारे में पता चला एंड उसके बाद से मेरा तब ऑलमोस्ट जब उन्होंने चेक किया था आई थिंक ऑलमोस्ट 5 years के बाद में पहुंची थी तब उन्होंने मेरा ये चेक किया था और उस टाइम मेरा 2 finger से ज्यादा था, मेरा 3 तो नहीं था बट 2 finger से ज्यादा था, उन्होंने बोला कि आपको करना पड़ेगा एंड देन शी शोड मी फ्यू एक्सरसाइजेस जो कि कुछ मैंने इधर भी बताई है, कुछ और भी प्रॉप्स के साथ उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस समझाए थे जो कि डेली आपको अपनी करनी ही है बाय डिफॉल्ट एंड उसके बाद अभी मेरा एक्चुअली यार का जो गैप है वो 1 finger जितना हो गया है, 1 finger इज सो इट कैन डेफिनेटली क्योर एंड इट कैन डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ, मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक बार अपना चेक करिए जैसे हमने टेक्निक बताया, आप तो आप गूगल भी कर सकती है, यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड वो जेन्युइनली बताएंगे कि किस तरीके से एंड अगर आपको पता चलता है तो फिर मैं मतलब सजेस्ट करूंगी कि देन यू नो स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग सम ऑफ दीस थिंग्स इनटू योर रूटीन, बेटर रिजल्ट। ओके मैम, अगर मतलब कोर मसल स्ट्रेंथ है फिर भी वो होने का चांस रहता है आपकी ना? दिलमा जी आवाज ना बीच बीच में बंद हो जा रही है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम मैं कह रही थी कोर मसल्स में स्ट्रेंथ है फिर भी चांस रहता है कि वो डीआर होने का? हाँ, आपकी अगर ये सेपरेटेड है ना मसल्स, कोर मसल्स की स्ट्रेंथ मतलब ये ऊपर वाले, लेकिन अगर आपकी ये जो मैंने समझाया था नहीं मतलब लोअर जो अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन में गैप है और वो पाउच टाइप का होता है ना लोअर एब्डोमेन में, आपको लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन का नहीं, जो हमारी पूरी जो मसल्स है ना ये बीच में ये वाला इधर का और इधर का, तो ये वाला ना सेपरेशन होता है जो नॉर्मली भी हमको दिखता है वो जो लाइन सी दिखती है बाद में एक प्रॉपर लाइन दिखती है और बेसिकली इसमें और ये मतलब स्ट्रेट लाइन होती है ना कि हाँ। और दूसरी चीज जो डीआर में बहुत कॉमन होता है ना पेट में अजीब सा, मतलब ये मसल्स तो होती है बहुत ही ऐसे ना रिंकल सा दिखेगा आपको, लाइक स्किन बिल्कुल ऐसी रिंकल्ड हो रखी है एंड बल्ज तो खैर वो रहता ही है बट ये भी है कि जैसे जैसे आपका वो रेक्टिफाई होता जाएगा अपने आप ही आप देखोगे कि वो एब्डोमेन ना अपने नॉर्मल शेप में, क्योंकि पहले काफी टाइम तक डीआर का एक और भी है जो मेरे साथ मैंने फेस किया था, जो मेरी नेवल थी वो मतलब वो फॉर्म में आई ही नहीं थी, प्री प्रेगनेंसी वाले फॉर्म में वो आई ही नहीं थी बट अब वो दिखने लगी है नॉर्मल सी थोड़ी एंड वो रिंकल की जो स्किन में रहता है वो भी आपका धीरे धीरे वो जाने लगता है, जैसे जैसे वो ठीक होती है मसल्स अपने आप जुड़ती जाती है, टिश्यूज जुड़ने लग जाते हैं तो अपने आप आपकी स्किन भी वो दिखने लगता है उसमें चेंज। ओके मैम थैंक यू सो मच। सविता जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो सर। ये पूछना था जो आपने एक्सरसाइज बताई है सेतु बंदासन है, मॉडिफाई है सेतु बंदासन, साइड प्लैंक है और जो बैक प्लेट के अल्टरनेट हैंड टच वगैरह जो भी कैट पोज है जो आपने बताया उनका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और अमाउंट कितना होना चाहिए, कितने रिपीटेशन होने चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये कपाल भाति से रिलेटेड। अच्छा, जो आपने शुरू में पूछा था। यस। तो देखिए ड्यूरेशन तो जो है जैसे इनिशियली हमने बोला डिपेंड अपॉन यू, अगर आपका कोर बहुत वीक है यू कैन स्टार्ट विद 5 second 10 second होल्ड, अगर होल्ड के साथ है इफ इट इज विद अ मूवमेंट देन यू कैन डू विद 5 repetition और यू कैन गो विद 8 repetition एंड देन उसके ही अपसेट बना के 2 set या 3 set लाइक दिस यू कैन स्टार्ट वंस यू आर कंफर्टेबल, वंस यू फील कि नाउ यू कैन होल्ड योर बॉडी वेट लाइक दिस और यू कैन डू बैलेंसिंग आ रहा है देन यू कैन इंक्रीज द रेपिटेशन।
So this is the way you can increase and you can modify your exercises. और कपाल भाती प्राणायाम से मतलब अगर डीआर का जैसे आपको पता चला है ना, तो वो मूवमेंट की जगह मैं जैसे आपको बोलूंगी कि आप उड़ान बंद की पहले प्रैक्टिस करिए, जिसमें आप उसको होल्ड करके रखती हैं। पहले वो कॉन्ट्रैक्शन एक बार आपका हो जाए, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, आप बार बार आगे पीछे, तो थोड़ा सा टाइम, अगर मतलब ये आपको किसी को भी एडवाइस करना है तो आई वुड से फर्स्ट स्टार्ट विद द जस्ट होल्डिंग पार्ट, ओके, ब्रीदिंग एंड सिर्फ होल्डिंग पार्ट को। एक बार लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें धीरे धीरे वो आने लगा है, तो देन यू कैन स्टार्ट विद मूवमेंट उसमें। अगेन यहाँ अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस उड़ान बंद, हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट टाइम्स इज सुटेबल फॉर मी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग लाइक 6 o'clock? जी उड़ान, देखिए वैसे भी जो हम लोग ये नॉर्मली करते हैं, वैसे भी एडवाइजेबल होता है प्राणायाम या क्रिया करो, तो सुबह खाली पेट जैसे उठ के अपना उस टाइम में किया, अच्छे तरीके से होता भी है ये आपसे, एज कम्पेयर टू आप लेटर पार्ट ऑफ द डे में करोगे तो मैं उसी टाइम ही एडवाइस करूंगी। एंड स्लोली यू कैन स्टार्ट विथ लाइक आपने लिया मैक्सिमम टाइम तक जितना आप होल्ड कर सकते हो होल्ड किया, तो ये आपने 2-3 बार रिपीट किया बस। मतलब वही है कि ओवर नहीं कि अच्छा मुझे ये बोला है तो मैं कपाल भाती नहीं कर सकती तो मैं इसको एक ही करिए। यू कैन स्टार्ट विद 1 एंड देन स्लोली यू इंक्रीज योर लेवल, बिकॉज हम नहीं बोलेंगे अगर ये करना है तो आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं 15 मिनट्स ये करूंगी, नहीं, स्टार्ट विद स्लोली, एक्सेस में नहीं जाना है। ओके शोभा जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यस लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार भी कर सकते हैं ना साथ में फॉर द वार्मिंग अप और मोर रेपिटेशन, बिकॉज सूर्य नमस्कार में फिर वो भुजंग आसन आ जाता है इन द 7th। वही मैं आ रही थी इसीलिए जैसे अगर कोई पोस्टनेटल योगा में जाता है ना, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा मतलब जिसको अगर डीआर के बारे में पता हो उनके गाइडेंस और उनके सुपरविजन में, क्योंकि बहुत सारे पोजेस आप कर सकते हैं बट अगेन आपको जैसे हमने बताया कि एक्सटेंशन स्ट्रेचिंग इन चीजों पे फोकस, मतलब इन चीजों को नहीं करना है शुरू शुरू में। एक बार लगता है कि यस डीआर हील आपकी धीरे धीरे काफी हद तक हो गई है, तब तो आप नॉर्मल अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, बट आइडियली बिकॉज शुरू में वो स्ट्रेचिंग का होता है क्योंकि इसमें पर्वतासन वगैरह भी आइडियली एडवाइजेबल नहीं होता है, तो इसीलिए कोई थोड़े मॉडिफिकेशन, अगर किसी को डीआर की प्रॉब्लम है तो उनको वो मॉडिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोभा जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू सुभा जी। हेलो सर, हेलो मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत सारी लेडीज इसी परेशानी से जूझती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसका क्योर हो सकता है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मेरा एक क्वेश्चन है कि जिनके सीजर होते हैं लाइक वर्टिकल हो गया या हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वो लोग अपने आप को कैसे, कौन से स्टेज में आकर इस चीज को फॉलोअप कर सकते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितने टाइम बाद, या क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। देखिए ये भी क्योंकि मेरा भी सिजेरियन ही था और अगेन बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। ओके बॉडी हीलिंग पे हर किसी की डिफरेंट टाइम लेती है। आपकी अच्छा एक और कंडीशन भी डिपेंड करती है कि प्री डिलीवरी भी प्री प्रेगनेंसी भी आप कितने ज्यादा एक्टिव रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पहले से थोड़े मोटे रहे हैं या आप उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं हुई है तो इन जनरल भी आपकी बॉडी को हील होने में, क्योंकि इन लोगों को बैक का इश्यू या यू नो उससे रिलेटेड फिर अलग अलग इश्यूज भी होना बहुत ही कॉमन बात है। तो ये कुछ चीजें डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी फिर आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरीके से हील हो रही है। बट यस अगर प्रेगनेंसी आपकी हुई है तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम, जैसे आपने मान लीजिए अगर आपको लगता है कि 2 महीने या 3 महीने, कई अगर आप फिटनेस में एक्टिव रहे हैं तब तो आप 6 हफ्तों बाद भी धीरे धीरे ब्रीदिंग और ये जो कोर कॉन्ट्रैक्शंस मैंने समझाए थे सबसे स्टार्टिंग में, आप इनके साथ शुरू कर सकते हैं। दिस फॉर एनी न्यू मॉम। ओके एंड देन वंस यू चेक कि अगर आपको डीआर की कंडीशन है तो जो हमने एक्सरसाइजेस बताई है ये सारी डीआर सेफ है और ये ऐसी भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जंपिंग या इसमें कुछ है,
नॉर्मल आप अपनी रूटीन में इनको कर सकती हैं, तो उनके साथ फिर धीरे धीरे आप अपना जो भी फिटनेस आप फॉलो करते हैं उसको आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी पॉस्चर पता होना ना और कोर को कैसे एंगेज रखना है, जैसे हमारे योगा प्रैक्टिस में भी हम बोलते हैं कि कोर पे फोकस करो, कोर को कॉन्ट्रैक्ट करो, बहुत सारे उनमें बोला जाता है कोर पे फोकस करिए, कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। तो वो इसीलिए, क्योंकि किसी भी चीज की जड़ भी यहीं से ही निकलती है, तो हमारा बेस ही है ये। तो अगर ये वीक है तो पूरा बॉडी का, चाहे वो ओवरऑल मतलब बॉडी पॉस्चर हो, आपके हर चीज पे इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि डीआर है तो बैक पेन की इश्यू भी आपको रहेगी ही रहेगी, मतलब यू विल ऑलवेज हैव अ वीकर बैक। ओके, पेल्विक मसल्स आपकी वीक रहेंगी, तो ये जो यूरिन लीकेज की ये सब जो मैं प्रॉब्लम बता रही थी, या काफी टाइम तक आफ्टर डिलीवरी भी बहुत टाइम तक, मतलब अगेन टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, हम छींकेंगे, हम थोड़ा कूद लेंगे, रस्सी कूदेंगे या वो जंपिंग जैक्स जैसी एक्सरसाइजेस करेंगे और वो लीकेज होगा आपको। तो इसीलिए उन चीजों का ध्यान रखते हुए, बट यस, अपनी बॉडी को थोड़ा हील होने का, और जब आपको लगता है कि अब आप रेडी हो तो अपना आप ये चेक करिए और उसके हिसाब से यू कैन स्टार्ट। थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस सो पेशेंटली एंड यू नो सो एलैबोरेटली। नाउ आई हैंड ओवर टू गीतांजलि। गीतांजलि जी, आप वोट ऑफ थैंक्स और क्लोज करिए सेशन को। प्लीज ब्रिंग गीतांजलि जी ऑन फोकस। थैंक यू। यस गीतांजलि। थैंक यू हरीश सर एंड दीपिका मैम। आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर गिविंग अटेंशन ऑन सच अ वैल्यूएबल टॉपिक। आई होप यू शेयर द टॉपिक ऑन विच मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वुड गेट बेनिफिट। This is the problem most of the females face after pregnancy, and they avoid, and they take it very lightly. So I sincerely thank both of you for sharing such a valuable knowledge, and that too in an easy language. Thank you so much. Thank you. Yeah, and that brings us end of our today's evening session. And thank you. Thank you everyone. Thank you. Bye. Bye-bye.